यह गौतम बुद्ध नगर पुलिस की कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के प्रति हम बहुत ही जागरूक और सजग हैं, संवेदनशील हैं। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। थाना दादरी क्षेत्र में घोड़ी बछेड़ा गांव के पास एसओजी और दादरी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। और आपको बता दूं, 15 नवंबर की रात्रि में कोट गांव में भट्टा से बड़ी ही बर्बरतापूर्वक मार पीट कर चौकीदार को बंधक बनाकर और ट्रैक्टर लूट ले गए थे। दो ट्रैक्टर लूट ले गए थे। ये मेवाती गैंग है। इसमें 21 नवंबर को एक ट्रैक्टर बरामद किया जा चुका है, जिसमें 3 अपराधी मुठभेड़ में पकड़े गए थे, 2 को गोली लगी थी। आज या फिर कोई न कोई यहाँ पे आसपास भट्ठे हैं, कोई न कोई वारदात करने आए थे। एक ट्रैक्टर अपने पास ज़रूर रखते हैं कि अगर ट्रैक्टर ना स्टार्ट हो सके तो उसे ये खींच करके ले जाते हैं, उसको टूचैन कर ले जाते हैं, इसने बताया। तो यह गौतम बुद्ध नगर पुलिस की कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों के प्रति हम बहुत ही जागरूक और सजग हैं, संवेदनशील हैं। और यही कारण है कि जो भी बड़े वारदात हो रहे हैं उसका हम लोग खुलासा कर रहे हैं और इनको शिकंजों के पीछे पहुँचा रहे हैं। यह बुलंदशहर का रहने वाला है, मेवाती गिरोह का सदस्य है। दर्जनों मुकदमे हैं इस पर। 25,000 रुपये का इस पर इनाम पहले से घोषित है और इस पूरे गैंग पे हम गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यह कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।